प्रदूषण को लेकर आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी में ढोलक झांझ शंख मजीरों के साथ बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि प्रदूषण विभाग आराम की नींद सोया हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत आदि समस्याएं सामने आ रही है। जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भी श्वास, गला और आंख के रोगियों की कतार लगी रहती है। नल टोटियों की फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण हो रहा है, चिमनियां जहर उगल रही है, जगह जगह अवैध निर्माण कूड़े के ढेर भी प्रदूषण के कारक बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी को प्रदूषित माना है, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। आज हमने प्रदूषण इतना बढ़ चुका है मथुरा में कि फैक्ट्रियों के द्वारा जो चिमनी है वो खुली हुई है, वो सरेआम चल रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे यहाँ गंदगी है, जहाँ महात्मा गांधी जी के ये लोग जो दुहाई देने वाले, ये जो आज धरना दे रहे हैं, क्या इनको गंदगी नजर नहीं आती? क्या महात्मा गांधी जी नजर नहीं आते? आज उनके गेट पर ही कितनी गंदगी है और यहाँ पर प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, आंखों में जलन, खांसी, अस्थमा, कई प्रकार की इस प्रकार की बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। हमारे साथ में महिलाएं हैं, हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, हमारे साथ में आम जनता है। देखिएगा, आंदोलन की बात तो यह होती है कि आदमी देश जब आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी के साथ में 1942 में 31 आदमी लेकर के देश को आजाद कराया, तो हम आज लोग यहाँ पर प्रदूषण की बात कर रहे हैं। प्रदूषण से घिर चुका है यमुना मैया भी, जो यमुना की दुहाई देने वाले, जो चौदह में कहने वाले कि यमुना को हम साफ करेंगे, स्त्री मर्च लाएंगे, लेकिन वो सब फेल हो चुका है। आप देख लीजिए गंदगी का साम्राज्य, आप मेरे पीछे देख लीजिए कितनी गंदगी है। आज महात्मा गांधी जी को आज यहाँ पर धरना दे रहे तो सफाई कर दी, नहीं तो वह गंदगी का साम्राज्य था, पीछे शराब का ठेका है। आप महात्मा गांधी प्रतिमा पर धरना देने वाले थे लेकिन आपको जगह नहीं मिली क्या वहाँ पर? देखिए, इनकी सरकार है और उन्होंने पहले से ही कब्जा कर लिया। आप जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसकी तानाशाही होती है। आज स्वाति सिंह ने लखनऊ के अंदर एक सीओ सिटी जो है उसको महिला को बहुत बड़ी तरीका से और फटका रहा है। आज योगी जी ने उसको तलब किया है। ये लोग तो मत में भूल चुके हैं, इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, विपरीत बुद्धि विनाश काले। और आप देख रहे हैं कि वहाँ हाईवे पर ये लोग वहाँ पर एक चौराहा बना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रेत का इन्होंने टीला बना दिया है। क्या वहाँ प्रदूषण नहीं है? वो TDS में आता है, वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ पर जो है गंदगी है, मिट्टी है। आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा पूरा वृंदावन में मार्ग में सब जगह ये आंदोलन। इनकी बुद्धि हमारा साथ के लिए आज आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग तो हाँ, इनकी बुद्धि शुद्धि हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपा वालों की बुद्धि को शुद्धि कीजिए और जनता के हित में काम करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।